राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी और लू की स्थिति के बीच आग लगने की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ती दिखी हैं। आपको बताएं 19 मई तक आग से जुड़ी 2000 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 42 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 117 अन्य लोग घायल हुए हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार इस साल मई के पहले 19 दिनों में आग से संबंधित 2145 घटनाओं की कॉल आई, जिनमें 117 लोग घायल हुए जबकि 42 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग ने कहा कि पिछले 3 वर्षों की तुलना में इसी अवधि में इस बार मई में अब तक आग की 2174 घटनाएं सामने आई थी, जबकि मई 2020 में ये संख्या 2325 के करीब थी। मई 2019 में दिल्ली में आग की 3297 घटनाएं दर्ज की गई थी। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक मई 2019 में आग की घटनाओं में 18 लोगों की मौत हुई थी। मई 2020 में 10 लोगों की जान गई थी, जबकि मई 2021 में 41 लोगों की मौत हुई। दमकल विभाग के मुताबिक इस मई में बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके में एक व्यवसायिक इमारत में भीषण आग लगने की घटना सबसे बड़ी थी। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 अन्य लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि शव इस हद तक जल गए थे कि इनकी पहचान के लिए भी DNA प्रोफाइलिंग का सहारा लेना पड़ा। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।